हे गाइस, मैं सुखों यादव एक बार आप सभी को अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूँ दोस्त। तो दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग अगर सबसे पहले मैं एक बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको नोटिस चेक कर लेना है दोस्त, क्योंकि आपको NTPC जो है आपका स्टेटस दे दिया है। आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किसका किसका जो है स्टेटस एक्सेप्ट हो गया है। ठीक, अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत है तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैंने पूरा आपको डिटेल्स इसमें बता दिया कि आपको किस तरह से करना है। ठीक, आप लिखिएगा जैसे वाईफाई टॉपिक सर्च कीजिएगा ना, तो आपको पहला ही वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक ना, चलिए तो दोस्त आज से जो क्वेश्चन हम देखेंगे ये क्वेश्चन 34 है दोस्त, और आपको बता दिए कि हम जो है क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लेके आया हूँ। ठीक है, घटते क्रम में हम जो क्वेश्चन को लेके आए हैं दोस्त, पहले भी 10 में पढ़ा था, आज भी 10 पढ़ूंगा। और दोस्त बहुत निचोड़ तरीका से आप लोग वीडियो पर बने रहेगा, कहीं भी नहीं जाना है, और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्त, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये बकवास का क्वेश्चन है दोस्त, सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्त मैं देखूंगा क्वेश्चन पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आ जाइए, मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा। सॉरी दोस्त, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि यदि, देखिए यहाँ पर, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख, ठीक ना, सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का, ठीक ना, प्रतिबिंब सदैव और छोटा होता है, ठीक ना, वह दर्पण होगा। देखिए क्या कह रहा है आपको, सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी दर्पण है मान लीजिए, ठीक, उस दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं छोटा होना चाहिए। तो मेरे भाई, मेरे पहले वाला वीडियो देखे होंगे ना, तो आप बहुत बेस्ट समझ में आएगा, क्योंकि देखिए हमने बताया था कि मेरे पास एक मिरर है, जैसे कि मैं थोड़ा इसको छोटा करना चाहूँगा। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे कि मैं एक मिरर मिरर लूंगा, तो ये मिरर कौन सा मिरर होगा जानते हैं आप, उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि ओनली फोर दोस्त उत्तल दर्पण में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक इमेज रहता है। ठीक, यहाँ पर पी मान लेंगे, यहाँ पर एफ मान लेंगे, और यहाँ पर मेरे पास तो क्या सी। अब वस्तु को दर्पण के सामने कहीं भी रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम, हमेशा इसमें क्या होगा, वस्तु क्या होगा, वस्तु क्या होगा, बड़ा होगा, और प्रतिबिंब जो होगा मेरा छोटा होगा, इमेज जो होगा हमेशा छोटा होगा। तो इसका आंसर कौन होगा दोस्त, ये डी होगा, डी, उत्तल दर्पण में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है, देखते जाइए। देखिए दोस्त क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु, ठीक ना, क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को ना एक दर्पण के सामने, ठीक, एक दर्पण के सामने, ठीक, एक दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा, किंतु क्या है, किंतु दूरी क्या है, दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। देखिए हम आपको बेस्ट तरीका से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको देख के ही जाना दोस्त। ठीक है, देखिए क्या करा इसमें, आपको तो समझ में आ गया होगा, कहा कि देखिए सामने निकट रखने पर, ठीक है, दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक ना, किंतु, लेकिन, ठीक ना, दूर रखने पर क्या हुआ, उल्टा प्रतिबिंब बनने, तो वह दर्पण होगा। दोस्त आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं एक बार कलर चेंज करूंगा। ठीक मेरे दोस्त, देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, देखिए आपको अच्छा समझ में आएगा। क्या करा है कि देखिए हम आपको बताएंगे ये कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण में ऐसा ही होता है दोस्त। देखिए मेरे पास मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक, जब इसको हम बाहर से कवर करेंगे तो क्या होता है, एक मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको हम क्या करेंगे, पी मानेंगे, इसको इस पी को मानेंगे। ठीक, मान लीजिए मेरे पास क्या, पी, इसको पी मानेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा एफ होगा दोस्त, इस पॉइंट को यहाँ पर आप सी ले लीजिए, ठीक ना, क्या होगा, आप सी ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या करा है कि मान लीजिए मेरे दोस्त कि आपको करना क्या है, पर देखिए ये पिया है सी और एफ, तो कह रहा है कि देखिए अगर वस्तु को नजदीक रखेंगे ना, मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे वस्तु को, तो मेरा इमेज जो ना इधर बनेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर चलाता है, एक आपको यहाँ से जाएगा, और इस लाइन को डॉट 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 लाइन, ये लाइन को डॉट डॉट करना, और इसका इमेज आपको यहाँ बनेगा, ठीक, इस पर बनेगा। ठीक दोस्त, ये लाइन यहाँ पर जाएगा, और ये लाइन, ये डॉट डॉट लाइन होगा, काल्पनिक लाइन होगा, यहाँ पर बनेगा। तो एक ही कंडीशन है, जब वस्तु मेरा पी और एफ के बीच होगा ना, तो क्या होगा, काल्पनिक बनेगा। देखिए आपको कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पर निकट सीधा, ठीक ना, परंतु क्या होगा, दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। क्या कह रहा है कि देखिए अगर मान लीजिए नजदीक रखता हूँ तो मैं काल्पनिक बनता है, जैसे कि मान इसको दूर रखेंगे, ठीक ना, जैसे हम मान वस्तु को यहाँ पर रखें सी और एफ के बीच, तो क्या होगा जानते हैं, वास्तविक होगा, क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा, मान लीजिए मेरा जो इमेज बनेगा, इमेज जो बनेगा, मान लीजिए डॉट डॉट लाइन बनेगा, इमेज जो मेरा इमेज बनेगा मान लीजिए, ठीक ना, इमेज, इमेज जो बनेगा ना, वो क्या होगा आपका, वास्तविक होगा, रियल, ठीक ना, रियल होगा। अब उल्टा होगा, ठीक ना, क्या होगा आपका, उल्टा होगा दोस्त, ठीक ना, उल्टा होगा, याद रखना है। ओके, क्या होगा आपका, उल्टा होगा, ठीक, याद रखना आप सबको, ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, इसमें किसी को दिक्कत, तो मेरा कौन सा होगा, कह रहा कि प्रतिबिंब क्या, देखिए आपको समझ, प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा,
तो क्या होगा ऑप्शन बी नंबर, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो है ना वस्तु को हम अगर दूर रखते हैं तो मेरा उसमें सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। उत्तल ही एक ऐसा है जिसमें काल्पनिक भी बनता है और सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है और रियल भी बनता है। ठीक है दोस्त, सॉरी दोस्त, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। कहीं भी दिक्कत हो आपको, क्या बोले, कहीं भी समस्या तो मुझे कमेंट कीजिए दोस्त, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या करा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करा 32। देखिए संयुग्मी, ठीक ना, क्या संयुग्मी को फोकस संभव है केवल, क्या कि संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब जानते हैं क्या होगा, कंजुगेट करना, कोई चीज को जोड़ने का काम करना। ना किसी को अगर जोड़ेंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजुगेट कहते हैं दोस्त, ठीक ना। तो दो लेंस को अगर जोड़ेंगे ना एक साथ, कहने का दो लेंस को जब जोड़ेंगे, मान लीजिए कोई सा भी लेंस है, ठीक ना, कौन सा लेंस होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा, तो जब दो लेंस को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे ना, मान लीजिए जैसे कि ये अंदर से कवर है, अगर इसको हम इस तरह से लेंगे, ठीक, तो ये क्या होगा, इसको अगर अंदर से कवर कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दोनों मेरा क्या, अगर अंदर से कवर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर अंदर से कवर है तो उसको उत्तल बोलेंगे, और बाहर से कवर होगा मेरे भाई, बाहर से अगर कवर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे, ठीक ना, क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। तो इसमें कंजुगेट कर रहा है, ठीक ना, आपको क्या जोड़ना है, तो ऐसा कौन सा होगा, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक, चलिए ये भी हो गया, और मान लीजिए एक और हम लेंस लेते हैं इस तरह से, और इसको भी हम इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक, तो क्या कहा, इसका जो फोकस होगा ना क्या होगा, कहा कि संयुग्मी फोकस संभव है, तो इसमें केवल इसी में होगा संयुग्मी, इसमें ही होगा संभव, ठीक, अवतल होगा, ठीक दोस्त, क्या अवतल दर्पण में, ओनली फॉर अवतल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना आपको, देखते जाइए, कहा कि देखिए क्या है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या कर देंगे, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक, आवर्धित का मतलब जानते हैं मैग्निफिकेशन, उसका बड़ा होना चाहिए, मतलब उसका जो वस्तु जो बनेगा सबसे बड़ा होना चाहिए, ऐसा कौन सा कंडीशन है, कौन सा लेंस है दोस्त, मैं अभी पढ़ा हूँ क्या होगा, अवतल दर्पण। देखिए मैं इतना क्वेश्चन लेकर आया दोस्त, इससे दूर जा ही नहीं सकता है, याद रखें इससे दूर कभी नहीं जा सकता है। देखिए इस तरह से मेरा होगा, इसको हम क्या मानते हैं पी, ठीक है, यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर क्या होगा एफ होगा, और यहाँ पर मेरा क्या होगा सी होगा। जब यहाँ पर वस्तु रखेंगे ना, तो क्या अभी बताए थे ना, जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एफ से जाता है, ठीक, और एक मेरा सी से जाएगा, ठीक, और इस लाइन को आप डॉट 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 लाइन करना है इस तरह से, और यहाँ पर भी डॉट 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 लाइन करेंगे तो मेरा यहाँ पर बनेगा ये डॉट 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 लाइन यहाँ पर बनेगा, ठीक, यहाँ पर इस तरह से। तो देखिए क्या करा है कि आवर्धित काल्पनिक, तो काल्पनिक लाइन हुआ कि नहीं, ये काल्पनिक हुआ, आवर्धित क्या, वस्तु से देखिए कि वस्तु कितना छोटा है मेरे दोस्त, वस्तु जो दिख रहा है ये कितना छोटा, देखिए वस्तु और मेरा इमेज जो बना ये कितना बड़ा बना है कि नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण, ठीक ना, केवल क्या होगा अवतल दर्पण से, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखिए क्या करें आपको, करा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होता है उल्टा होता है, तो मेरे भाई देखिए तो इसमें क्या बोला, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब यही ना, काल्पनिक प्रतिबिंब तो क्या सीधा है कि नहीं है, है ना सीधा, देखिए ये देखिए ये, इससे आपको पूरा मतलब दिमाग में मतलब बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, ठीक ना, इस फिगर से क्लियर हो गया होगा, इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्त, हमेशा सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा, उल्टा का कोई बात ही नहीं होगा। अब इसमें क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो इसमें दोनों प्रतिबिंब आपके मतलब अवतल भी हो गया आपके पास, ठीक ना, इसमें क्या होगा अवतल भी हो जाएगा, ठीक, अवतल भी हो जाएगा, अब एक मिनट रुक जाएगा दोस्त, ठीक, यहाँ पर थोड़ा इसको कर देते हैं, चलिए एक मिनट रुक जाइए। चलिए तो दोस्त इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है कि देखिए अब ये जरूर नहीं कि अवतल में ही होगा, काल्पनिक उत्तल में ही नहीं होगा, अवतल में भी हो सकता है, दोनों प्रतिबिंब होगा तो दोनों प्रतिबिंब में सीधा ही बनता है, अवतल में भी इस तरह से अगर फिगर रहेगा फिर भी, ठीक, और उत्तल में भी, दोनों में आपको क्या होगा काल्पनिक ही बनेगा। ओके ठीक ना, समझ में आ गया ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 29 क्या करा है, निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्त स्पीड कर रहा है, उसका स्पीड क्या होगा, निर्वात में जो होगा प्रकाश का जो स्पीड होता है वो क्या होगा दोस्त, ठीक ना, कहा कि इसका स्पीड क्या होने वाला है, तो स्पीड क्या होगा दोस्त, किसी भी या तो वैक्यूम हो, ठीक है, या तो निर्वात हो या हवा, स्पीड जो होगा आपका वही होगा 3×10⁸, 3×10⁻¹, ठीक ना, 8 m/s होगा, ठीक ना दोस्त, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर कौन है चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है दोस्त, मैं बोल रहा हूँ ना एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, इससे अगर आपको बाहर चला गया ना तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग एग्जाम में जाइए और एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना टकराया ना तो मुझे जरूर कमेंट करके कहिएगा कि आपका क्वेश्चन मुझे नहीं टकराया दोस्त, ये अवश्य टकराएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक चलिए क्या है 28 नंबर क्वेश्चन, क्या कि प्रकाश तरंग क्या होता है दोस्त,
तो दोस्त प्रकाश तरंग क्या होता है, प्रकाश जो है विद्युत की तरह काम करता है, आपको पता होगा प्रकाश जो है क्या हुआ, विद्युत की तरह काम करता है, प्रकाश एक विद्युत की तरह काम करता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको समझ में चाहिए कि देखो हमसे सोलर लाइट जो होता है मेरे पास, सोलर लाइट होता है तो क्या होता है, जैसे जैसे मेरे पास ये सोलर लाइट है तो यहाँ से क्या होता है जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोलर लाइट है तो यहाँ से सन है, आई सन से जो मेरा सूर्य प्रकाश आता है तो क्या एब्जॉर्व करता है, ठीक है ना। तो क्या है प्रकाश, क्या है प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है, तब तो एब्जॉर्व करा ना, प्रकाश क्या है विद्युतीय चुंबकीय तरंग, क्या है ध्वनि तरंग, कभी नहीं सर, प्रकाश में कोई ध्वनि नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, प्रावेगनी तरंग नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है क्योंकि विद्युत का तरह काम करता है, ठीक है ना। कोई चीज को जैसे सोलर पे आपको जैसे कि आपको लाइट मतलब उससे हम करंट निकालना है, करंट निकालना है तो आपका क्या काम होगा, विद्युतीय चुंबकीय का काम ही यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है ना। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27, ठीक दोस्त। 27 क्वेश्चन क्या करा है कि देखिए 27 क्वेश्चन को थोड़ा हम यहाँ पर जूम कर दिए, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है भाई कि अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ ना रखा जाता है। दोस्त बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये, कहा कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखता है। तो मैं अभी आपको बताए थे इससे पहले वाला इसी क्वेश्चन को हमने बताए थे कि अवतल दर्पण का बात कहे तो इस तरह से फिगर बना लेना है, ठीक। और आपको डिटेल चाहिए ना तो मेरे वाईफाई टॉपिक पर, जैसे आप वाईफाई टॉपिक लिंक लिखिएगा ना तो आपको डिटेल थ्योरी आ जाएगा दोस्त, आप पढ़ सकते हैं आराम से, लाइन बाई लाइन थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पर ऐप हो गया, मान लेते ये मेरा ऐप हो गया और ये मेरा दोस्त ये सी हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर मेरा पी हो गया, थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको डिटेल समझाना चाहूँगा, ठीक। मान लीजिए मेरा ऐप हो गया दोस्त, सॉरी ये मेरा क्या होगा पी, ये मेरा क्या होगा ऐप और ये मेरा क्या होगा सी, ठीक ना, ये क्या होगा मेरा सी हो गया, ठीक, ये मेरा सी हो गया। अब इसमें करना क्या है कि वस्तु को आपको क्या करना है कि आवर्धित चाहिए ना, तो क्या होगा यहाँ पर होगा, पहले आपको बताए थे कि नहीं, देखिए ना इसी तरह से ना फिगर बताया, पहला वीडियो में बताया कि यहाँ पर मेरा इमेज बना था कि नहीं बना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, कहाँ होगा पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। तो देखिए इसमें क्या है फोकस पर, ये क्या है एफ का मतलब जानते ना फोकस होगा, पी का मतलब ध्रुव हो गया, ठीक ना, क्या होगा ध्रुव हो गया, पी का मतलब ध्रुव इसको बोल सकते हैं ध्रुव, और सी होगा वक्रता केंद्र, तो क्या होगा पी और क्या होगा मेरे पास पी और एफ के बीच या एफ के अंदर, तो क्या फोकस पर, तो फोकस पर नहीं हो सकता, फोकस के अंदर होगा, देखिए फोकस है फोकस के अंदर रखेंगे वस्तु को, ठीक, तो फोकस के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है मेरे भाई, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक होगा, अभी हम बताए हैं उत्तल दर्पण इस तरह से मैं फिगर बनाऊंगा, ठीक, यहाँ से मान ले प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस खींचने के बाद यहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होगा पी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा मेरा पी होगा, ठीक, और वस्तु का कहीं भी रख लीजिए तो यहाँ से जाएगा और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाता है और ये लाइन डॉट 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 लाइन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से एक लाइन जाएगा, ठीक, ये डॉट 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 लाइन यहाँ आ जाएगा, इसको सी मानेंगे इसको पी मानेंगे, तो देखिए ये लाइन हुआ मेरा काल्पनिक, ठीक ना, ये हुआ काल्पनिक, ठीक ना, तो हमेशा क्या हुआ सीधा हुआ, उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा सीधा होगा, ओके हमेशा सीधा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज जो लास्ट क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक, यही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं जरूर लेके आऊँगा, ठीक दोस्त। चलते हैं क्वेश्चन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में ना किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्त वास्तविक की बात करें ना, उत्तल कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि उत्तल में एक ही कंडीशन, अवतल तो कभी हो ही नहीं सकता वास्तविक, तो ऑप्शन क्या होगा अवतल दर्पण, इसी में दोस्त मेरा वास्तविक होता है, ठीक, इनमें से कोई होगा ही नहीं, आसान है क्या बोले, सिर्फ आप ये अगर वीडियो देखे होंगे ना शुरू से अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा दोस्त, अगर मेरा ये गारंटी है दोस्त, कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक दोस्त। तो ये सेशन कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ इस सेशन को जरूर पसंद आया होगा दोस्त, अगर पसंद आया तो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, और वीडियो को दोस्त शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को फायदा हो सके, तो दोस्त तो आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।